हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल पिंच ऑफ यम विद ऋतु अग्रवाल। फ्रेंड्स, आज मैं आपके लिए टमाटर की बहुत ही आसानी से बनने वाली ऐसी चटनी की रेसिपी लेकर आई हूँ, जिसे आप सब्जी की तरह भी खा सकते हो, चटनी की तरह भी, बहुत ही टेस्टी और बहुत ही ईजी। तो आइए बनाते हैं टमाटर की खट्टी मीठी चटनी। सबसे पहले मैंने एक पैन में 1 चम्मच घी लिया और उसमें जीरा डाला, मस्टर्ड सीड्स डाली, राई, और उसको थोड़ा सा चटकने दिया। फिर अब इसमें मैंने थोड़ी सा मेथी दाना डाला है, मेथी दाना बहुत थोड़ा सा ही डाला है। इसमें कलौंजी डाली है। अभी हमारा जब छौंक बन गया तब हम इसमें चॉप्ड अनियन डाल देंगे, प्याज को महीन महीन काट के इसमें डाल देंगे और इसको हल्का हल्का फ्राई कर लेंगे। जब हमारी हल्की सी एक गोल्डन हो जाए, हमें बहुत ज़्यादा इसको नहीं फ्राई करना, हल्की सी गोल्डन हो जाए तभी हम इसमें हरी मिर्च और अदरक के पीसेस डाल देंगे। इसका अदरक का और हरी मिर्च का बहुत अच्छा टेस्ट आता है इसमें। अब जब हमारा ये भी हल्का सा भुन गया तब हम इसमें 1 हरी इलायची तोड़ के डाल देंगे। अब हम इसमें स्लो फ्लेम पर मसाले ऐड करेंगे। आप जब मसाले डालें तो फ्लेम बिल्कुल स्लो कर लें। सबसे पहले इसमें नमक डालें, नमक आप अपने टेस्ट के हिसाब से डालें। लाल मिर्च पाउडर डालें, मैंने 1/2 चम्मच लाल मिर्च पाउडर डाला है। बिल्कुल 1 चुटकी हल्दी डालें, 1 चम्मच धनिया पाउडर डालें और इन सभी मसालों को मिक्स कर लें। ये बहुत ही आसान रेसिपी है फ्रेंड्स, इसे ज़रूर बनाइएगा और बहुत ही टेस्टी होता है। अब हम इसमें 1 चम्मच सौंफ डालेंगे। सौंफ को आप पहले ना डालें, नहीं तो उसका अच्छा फ्लेवर नहीं आ पाएगा, इसको बाद में ही डालें। और इसमें एक चुटकी हींग डाल दें और इन सब चीज़ों को अच्छे से मिक्स करके इसमें हम टमाटर डाल देंगे। मैंने यहाँ 2 टमाटर को काट के सब इसमें डाला है और इन सभी मसालों को इसमें मिक्स कर देंगे। फिर हम इसे 5 मिनट के लिए कम से कम ढक के रख देंगे, जिससे टमाटर हमारा खूब अच्छे से मैश हो जाए, मिक्स हो जाएगा मसालों में। ये देखिए, अब इसे थोड़ा सा और दबा के हम मैश कर देंगे। इससे ये बाइट की तरह मुंह में भी आएगा और बिल्कुल चटनी की तरह आपको फ्लेवर भी देगा। अब इसमें हम 1/2 कप पानी डालेंगे। सबको मिक्स कर लेंगे। अब हम इसमें थोड़ा सा और चीज़ें बढ़ाते हैं, काला नमक डाल देंगे। काले नमक का टेस्ट इसमें बहुत ही अच्छा आता है। आप वैसे भी हरी चटनी भी बनाते हैं तो उसमें भी काला नमक डालते हैं, इसमें भी मैंने काला नमक डाला है। और इसमें हल्का सा मीठापन बढ़ाने के लिए मैंने चीनी, गुड़ की जगह हनी डाला है, शहद 2 चम्मच मैंने इसमें शहद ऐड किया है। आप चाहें तो इसकी जगह शुगर या गुड़ भी यूज़ कर सकते हैं, लेकिन हनी का टेस्ट बहुत अच्छा आता है। ये देखिए, अब हमारी ये चटनी बिल्कुल बनके तैयार हो गई है। ऊपर से मैंने इसमें गार्निशिंग कर दी है हरे धनिए की। आप इसको ज़रूर ट्राई कीजिए और मुझे ज़रूर बताएं, कमेंट बॉक्स में कमेंट करें कि आपको मेरी ये रेसिपी कैसी लगी। फ्रेंड्स, अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो उसे सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन प्रेस कर दें जिससे कि आपको मेरी न्यू रेसिपी का नोटिफिकेशन मिल सके। और फ्रेंड्स, ये बिल्कुल फ्री है। थैंक यू।